तो आइए जानते हैं HDD वर्सेस SSD में क्या अंतर है, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। और अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब नहीं पता है तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको SSD वर्सेस HDD के बारे में डिटेलिंग में समझाने वाली हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो बात ऐसी है कि जब भी कोई नया कंप्यूटर सिस्टम लेने की सोचता है, तब बहुत सारे लोगों के मन में ये चिंता हमेशा रहती है कि उन्हें अपने कंप्यूटर की स्टोरेज के लिए कौन सी स्टोरेज ड्राइव लेना ठीक रहेगा। और उनके पास चूज करने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD और दूसरा है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDD। लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण वो ये फैसला नहीं ले पाते, और अगर कोई लेता भी है तो जानकारी ना होने के कारण नुकसान में पड़ जाते हैं। तो यहाँ कोई आसान सा या सीधा सा जवाब नहीं है कि इन दोनों में से कौन बेहतर है और कौन सा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि सभी लोगों की जरूरत अलग अलग होती है। इसीलिए उन्हें ही ये फैसला लेना होगा कि आखिर उनके लिए कौन सा सही होगा। जरूरत के साथ साथ आपको अपनी प्रेफरेंस पर भी नजर डालनी होगी, और इसके साथ आपके बजट पर भी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप एक सही हार्ड ड्राइव अपने कंप्यूटर के लिए खरीद सकते हैं। इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इन हार्ड ड्राइव्स के बारे में मैं पूरी जानकारी दे दूं, ताकि आप खुद ही ये फैसला ले सके कि आपकी जरूरत के अनुसार आपके लिए कौन सही रहेगा। तो फिर बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि HDD वर्सेस SSD में कौन बेहतर है, और इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं HDD क्या है इसके बारे में। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD को सबसे पहले सन 1956 यानी कि 1956 में IBM के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। आप शायद ये जानकर के हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सच है कि ये टेक्नोलॉजी 60 साल पुरानी है। एक HDD में मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। एक रीड राइट हेड स्पिनिंग प्लेटर के ऊपर फ्लोट करता है डेटा को राइट करने के लिए और डेटा को रीड करने के लिए। तो जितनी जल्दी ये रोटेटिंग प्लेटर घूमेगी, उतनी जल्दी ही HDD परफॉर्म कर सकता है। तो आज के दौर में एक टिपिकल लैपटॉप ड्राइव 5400 यानी कि 5400 RPM यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट या 7200 RPM के हिसाब से घूमता है। वहीं कुछ कुछ तो 15000 RPM तक स्पिन कर लेते हैं। तो HDD को इस्तेमाल करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप बहुत ही कम कीमत में बहुत सारा डेटा रख सकते हैं। आजकल तो 1 TB स्टोरेज बहुत ही आम बात है, और धीरे धीरे इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। HDD SSD की तुलना में सस्ता होने के कारण ही लोगों की आज भी ये पहली पसंद बन गई है, क्योंकि अगर तुलना की जाए तो SSD HDD के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा कॉस्टली होता है। अब अगर बात करें HDD की अपीयरेंस की, तो बाहर से ये हूबहू SSD की तरह ही दिखता है। HDD में SATA का इस्तेमाल होता है। लैपटॉप हार्ड ड्राइव्स की कॉमन साइज होती है 2.5 फॉर्म फैक्टर, वहीं डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव का आकार थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 3.5 फॉर्म फैक्टर। तो जितनी ज्यादा प्लेटर की साइज होगी, उतनी ही ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी। इवन कुछ डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव तो 6 TB तक का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये रही HDD की फुल जानकारी, और अब जानेंगे कि SSD क्या है। SSD की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी एक मेमोरी डिवाइस है पेन ड्राइव की ही तरह, केवल इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है और ये थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है। मेमोरी स्टिक के जैसे इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। यहाँ डेटा को माइक्रोचिप में स्टोर करके रखा जाता है, जहाँ की एक हार्ड डिस्क में एक मैकेनिकल आर्म होता है जिसमें रीड राइट हेड होता है। उसकी मदद से इन्फॉर्मेशन को रीड किया जाता है सही लोकेशन से स्टोरेज प्लेटर में। यही अंतर SSD को ज्यादा फास्टर बना देती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अगर आपको एक किताब लानी है एक कमरे से, तो इसके लिए आपको रूम में चारों तरफ पहले उसे खोजना होगा और फिर उसे उठा करके लाना होगा। वहीं अगर एक किताब पहले से आपके सामने हो और आपको ऑर्डर दिया जाए किताब लाइए, तो जल्दी से आप उसे लेकर आ जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा। एग्जैक्टली बस ऐसे ही SSD काम करता है। इस तरीके से ये HDD से कहीं गुना ज्यादा फास्टर है। SSD में NAND बेस्ड फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब नॉन वॉलेटाइल का ये मतलब है कि जब भी आप डिस्क को बंद कर देते हैं, तब ये इसमें जो चीज स्टोर होती है उसे ये नहीं भूलेगी। मतलब ये कि इसमें मेमोरी लॉस नहीं होता। हाँ, लेकिन ये जरूर किसी परमानेंट मेमोरी का बहुत ही बड़ा और एसेंशियल फीचर है। जब पहली बार SSD मार्केट में आई तो लोगों का इसके ऊपर विश्वास ही नहीं था, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी को काफी सारे लोग जोर शोर से इस्तेमाल कर रहे हैं।
और अगर बात करें लॉन्गेविटी की तो HDD के कंपैरिजन में SSD का रेट काफी ज्यादा है और हमारे क्विक सपोर्ट के कंप्यूटर में भी ये SSD इंस्टॉल किया है ताकि वीडियो एडिटिंग में बेहतर परफॉर्मेंस हो। एक SSD का मैकेनिकल आर्म नहीं होता है, इसीलिए डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए एक एम्बेडेड प्रोसेसर जिसको कि कंट्रोलर भी कहा जाता है उसका इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से बहुत सारे काम जैसे कि रीडिंग और राइटिंग ऑफ डेटा किया जाता है। SSD की स्पीड को पता करने के लिए कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है। ये जो भी डिसीजन लेता है डेटा को स्टोर, रिट्रीव, कैच और क्लीनअप करने के लिए, ये सभी चीज ही ड्राइव के ओवरऑल स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एक अच्छा कंट्रोलर ही एक अच्छे SSD की असली पहचान है। आप अभी सोच रहे होंगे कि आखिर ये SSD कैसा दिखता होगा, तो हम आपको बता दें कि इसमें इसकी टेक्नोलॉजी को प्लास्टिक या फिर मेटल केस में एनकेस्ड करके रखा जाता है। ये दिखने में एक बैटरी की तरह ही होता है और SSD का फॉर्म फैक्टर एक रेगुलर हार्ड ड्राइव के समान ही होता है। इसके स्टैंडर्ड साइज कुछ इस तरीके से है, 1.8, 2.5 और 3.5 साइज, जो कि बड़ी आसानी से हाउसिंग और कनेक्टर्स में फिट हो जाता है। इसका सामान साइज हार्ड ड्राइव की तरह है। इनके स्टैंडर्ड साइज के लिए सेटा को कनेक्टर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरे सेटा भी है जैसे कि मिनी सेटा, जो कि आकार में छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें मिनी सेटा यानी कि एम सेटा भी कहा जाता है। और ये बड़ी आसानी से मिनी PCI एक्सप्रेस स्लॉट में लग सकता है जिसे कि लैपटॉप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब कुछ डिफरेंसेस पर नजर डालते हैं जो है HDD वर्सेस SSD में। SSD की बात करें तो कम पावर का इस्तेमाल करती है, अगर एवरेज की बात करें तो लगभग 2 से 3 वाट, जिसके चलते 30 मिनट की बैटरी बूस्ट मिलती है। HDD की बात करें तो SSD की तुलना में बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल होता है, अगर एवरेज की बात करें तो लगभग 6 से 7 वाट, इसीलिए ये ज्यादा बैटरी का इस्तेमाल करता है। SSD बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, SSD की तुलना में HDD काफी सस्ता होता है। SSD में ज्यादा कीमत की वजह से ज्यादा कैपेसिटी वाली स्टोरेज नहीं बनाई जाती। इसकी एवरेज बूटअप टाइम 10 से 13 सेकंड होती है। HDD की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी वाली बनाई जाती है और ये इस्तेमाल में भी आती है। इसकी एवरेज बूटअप टाइम 30 से 40 सेकंड की होती है। SSD में मूविंग पार्ट न होने के कारण इसमें साउंड ज्यादा पैदा नहीं होता और HDD मूविंग पार्ट्स होती है और इसके साथ इसमें क्लिक्स और स्पिनिंग की भी साउंड्स आती रहती है। SSD में मूविंग पार्ट्स न होने के कारण ज्यादा वाइब्रेशन पैदा नहीं होती। जबकि बात करें HDD की तो उसमें प्लेटर्स की स्पिनिंग होती है, जिसके चलते वाइब्रेशन पैदा होना बहुत ही आम बात है। SSD ज्यादा पावर की डिमांड नहीं करती, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स भी नहीं है, इसके चलते ये बहुत ही कम हीट पैदा करती है। SSD की तुलना में HDD ज्यादा हीट पैदा करती है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कि लगातार घूम रहे होते हैं। SSD मतलब में मीन टाइम बिटवीन फेलियर रेट ऑफ 2.0 मिलियन आवर्स, और अगर HDD की बात करें तो उसमें मीन टाइम बिटवीन फेलियर रेट ऑफ 1.5 मिलियन आवर्स। SSD में कॉपी करने की स्पीड जनरली 200 Mbps से 550 Mbps तक की होती है और HDD में कॉपी करने की स्पीड जनरली 50 Mbps से 120 Mbps तक की होती है। SSD HDD की तुलना में 30% फास्टर खुलता है और HDD SSD की तुलना में काफी ज्यादा स्लो है। SSD किसी भी प्रकार की मैग्नेटिज्म इफेक्ट से सेफ होता है, वहीं HDD पर मैग्नेट्स का काफी ज्यादा असर पड़ता है, इससे डेटा पूरी तरीके से इरेज भी हो सकती है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि कैसे HDD और SSD कैसे एक दूसरे से अलग है, लेकिन यहाँ पर ये मान लेना कि SSD HDD की तुलना में बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि केवल आप ही बता सकते हैं कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस आपके लिए सही है, क्योंकि ये आपकी जरूरत के हिसाब से पता चलता है। यहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए कुछ पॉइंट्स आपको आगे बताऊंगी, जिसे देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्टोरेज डिवाइस एकदम ठीक रहेगी। और मैं इन दोनों डिवाइसेस के बारे में थोड़ा और आपको बताऊंगी ताकि आप एग्जैक्टली आइडिया लगा पाए कि आपके लिए, आपके पड़ोसी के लिए और आपके दोस्तों के लिए कौन सी ड्राइव सबसे बेहतर है। तो आपके लिए HDD तब ठीक रहेगा अगर आपको बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, लगभग 10 TB या उससे भी ज्यादा। अब ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो भी ये बेस्ट है। अगर आपको कंप्यूटर की बूटअप स्पीड और कॉपी करने की क्षमता को लेकर के ज्यादा चिंता नहीं है तब आपके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, यानी कि HDD। अगर आपको कंप्यूटर की बूटअप स्पीड और कॉपी करने की क्षमता को लेकर के ज्यादा चिंता नहीं है तब आपके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, यानी कि HDD। तो आइए अब आगे जानते हैं कि SSD आपके लिए कब ठीक रहेगा, यानी कि आप इसे कब यूज कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर की फास्टर परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा खर्च करना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। आपको स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर के ज्यादा चिंता नहीं है और आप कम में भी काम चला सकते हैं,
तो यहाँ आपके लिए SSD ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर हम हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ आज भी HDD ही ज्यादातर लोगों की पसंद है, क्योंकि यहाँ स्पीड को कम करा करके भी ज्यादा स्पेस की चाहत हर किसी को है। उन्हें अपने बजट में सारी सुविधाएं चाहिए, जिसके चलते उन्हें SSD की तुलना में HDD को अपनाने में कोई भी तकलीफ नहीं है। आजकल लोगों में SSHD यानी कि सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, जिसके अंतर्गत आप दोनों की चीजों का फायदा उठा सकते हैं, या यूँ कहे तो ये दोनों ही टेक्नोलॉजी का मिश्रण है, उनका कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ स्पेस अलोकेट कर दी जाती है और बाकी आपके पर्सनल स्टोरेज के लिए। इसमें एक फायदा ये भी है कि इसमें आपको बहुत ही अच्छी ऑपरेटिंग स्पीड मिलती है, जिससे आप बड़ी आसानी से सारे काम कर सकते हैं। तो हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि HDD वर्सेस SSD में क्या अंतर है, कौन सी ड्राइव आपके लिए बेस्ट है, या आपके दोस्त को अगर चाहिए तो आप उसे अब सजेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच इस चीज की जागरूकता बनी रहे और इससे सबको बहुत सारा बेनिफिट हो।